वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी भी क्वेश्चन हैं तो यू कैन आस्क। जी वालेकुम सलाम। सर जी, ये आपने भी कंटेनर और ऑर्केस्ट्रेशन का कहा है, तो ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या चीज़ है? अच्छा, जो ऑर्केस्ट्रेशन है ना, ये असल में ये बहुत सारी चीजों से मिलके असल में बनती है। ऑर्केस्ट्रेशन का मेन पर्पस ये होता है कि अच्छा, हमने एक काम करना है और उस काम के अंदर जिस जिस भी तरह की चीजें, यानी कि किसी चीज को हमने मैनेज करना है, तो उस मैनेजमेंट में या उस चीज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे हमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कंटेनर्स को कैसे बनाते हैं, कंटेनर्स को मैनेज कैसे करना है, कंटेनर्स अगर डेड हो जाएं तो उनको लाइव कैसे रखना है, कंटेनर में अगर किसी अगर इनको स्केल करना हो तो स्केल कैसे करना है, अगर इनको हाई अवेलेबल करना हो तो वो कैसे करना है। तो ये जो बड़े बड़ी चीजें हैं ना, कि हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी कंटेनर्स की, वैसे अगर वो वैसे डाउन हो जाए तो उनको मैनेज करना, इसी तरह न्यू वर्जन पे अपग्रेड करना एप्लीकेशन का, वो कैसे करनी है, तो ये बहुत सारी चीज हमें मैनुअली करनी पड़ती है। तो जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स है ना, ये हमें एक्चुअली हेल्प करते हैं कि भाई आपने ये सारा काम मैन्युअली नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यूअसली करना है और मींस ऑटोमेटिक करना है, और उस ऑटोमेटिक प्रोसेस में ये टू सेट ऑफ टूल्स इन्वॉल्व। तो अभी भी जब हम कुबरनिटीज वाले पोर्शन में जाएंगे तो फिर हम मजीद, हमें बेहतर आइडिया होगा कि वो इस तरह के कौन से काम हैं, या खास तौर पे हम जब डॉकर वगैरह पे यूज करेंगे तो फिर हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें डॉकर को, सिंपल डॉकर को यूज करते हुए हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो आपने अक्सर, क्योंकि आपने तो डॉकर को यूज किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि जब हम डॉकर बिल्ड करते हैं तो बिल्ड करने के बाद हम उन्हें अप करना चाहते हैं, तो आप एक से ज्यादा कंटेनर्स अगर हमें अप करने पड़े तो फिर कैसा होगा, यानी कि एक ही आपका जो कंटेनर है उसको, उसके ज्यादा कंटेनर, लेट से आपको अगर एक डॉकर इमेज है और उसे हमने ज्यादा डॉकर कंटेनर चलाने हैं तो हम कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें मैनुअली कमांड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है वो हमें उसमें एक सिंगल कमांड देंगे और वो हमारे लिए बहुत सारे कंटेनर्स रेडी कर देंगे। और इसी तरह अगर हमने स्केलिंग करनी है तो हमने इसी तरह स्केल डाउन करना है, स्केल अप करना है, तो वो टूल्स हमें उसमें हेल्प करेंगे। तो इनशाला जब आप डिटेल में हम जाएंगे ना कुबरनिटीज की खास तौर पे, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये टूल्स एक्चुअली हमें कैसे हेल्प कर देते हैं, ये बहुत हमारी जिंदगी बहुत आसान कर देते हैं। सर जी, एक चीज है कि जो हम, आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा कंटेनर रन कर रहे हैं, तो वो तो हम डॉकर कंपोज की मदद से भी कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा कंटेनर को रन। तो इसमें फिर क्यूबरनेटीज क्या हेल्प करती है? ये भी अगर वो हम उस मदद से कर सकते हैं डॉकर कंपोज की मदद से, क्यूबरनेटीज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि एक से ज्यादा कंटेनर चलाना, तो अब उसमें दो तरह की ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि हम जिस तरह आपने डॉकर कंपोज का जिक्र किया ना, तो डॉकर कंपोज हम उस टाइम यूज करते हैं जब एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन है और उसमें दो तीन टाइप्स के आपके कंटेनर्स इन्वॉल्व हों और आप सबको एक ही टाइम पे अप करना चाहते हैं, उस टाइम तो डॉकर कंपोज हेल्प कर रही है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक ही तरह के कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर है, इसी की आपने दो तीन कॉपीज चलानी, तो एक ही कंटेनर की दो तीन कॉपीज जो है ना, वो डॉकर कंपोज नहीं चला सकता। उसके लिए फिर मैनुअली हमें डॉकर रन की जो कमांड है उसको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको लेट से 4 दफा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो तब जाके हमारे पास 4 कॉपीज ऑफ अ सिंगल कंटेनर आएंगे। वो हम क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि हम हाई अवेलेबिलिटी चाहते हैं। तो अब उस केस में अगर हम 4 कमांड्स चलाएंगे, फिर हमें उनको डाउन करना पड़ा तो हमें 4 दफा उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो ये काम जो है ना, ये फिर हम मैन्युअली नहीं करना चाहते। अभी मैंने 4 की एग्जांपल जो दी है, ये तो बहुत कम है। जब यूजर का लोड बढ़ेगा तो ये तो आप 100 चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि एक ही कंटेनर, लेट से आपने सिंपल एक पाइथन की ऐप बनाई है और लोड बढ़ गया है, अब वो सिंगल कंटेनर है, उसमें आपको ज्यादा कंटेनर नहीं चाहिए, तो अब आपने हो सकता है उसे डॉकर कंपोज से चलाया हो, या आपने उसे सिंपल डॉकर रन की कमांड से चलाया, लेकिन आपने एक ही कंटेनर है जिसपे चलाना है,
लेकिन पता चला कि लोड बढ़ गया, तो आप लोड बढ़ गया तो आप चाहते हैं कि कंटेनर ज्यादा हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, तो अब वो 50 कैसे करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो उस केस को फिर हैंडल करने के लिए जो डॉकर है वो तो हमें चीजें मैनुअली करने को कहेगा, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम कुबरनेटिस का सहारा लेंगे कि वो हमारे लिए ये काम करे। उसे हम कहेंगे कि भाई मुझे 100 कॉपीज चाहिए, बस हमने उसे 100 का नंबर देना है और वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर दे। इसे कर 100 के बाद हम चाहेंगे लोड कम हो गया, इसको 10 पे ले आओ, हम फौरन वो फौरन उसे 10 पे ले आओ, तो ये एडवांटेज है। इसी तरह आपने डॉकर कंपोज का जिक्र किया कि डॉकर कंपोज में हम मल्टीपल जो कंटेनर्स हैं उनको अप कर सकते हैं। अच्छा, अगेन इसमें यही इशू है कि डॉकर कंपोज से जितने भी कंटेनर आप होंगे उन सब की एक एक कॉपी अप होगी, मतलब चार तीन आपने कंटेनर्स एट द सेम टाइम अप करने थे, आपने कर दिए, अब लोड बढ़ा, अब उन तीनों कंटेनर्स में से कुछ की नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज होने चाहिए, तो डॉकर कंपोज ये नहीं कर सकता, तो ये एक मसला है। तो इसको फिर हम किससे हेल्प करेंगे, तो ये किससे हेल्प देंगे, हम अगेन कुबरनेटीज से कहेंगे कि भाई हमें भी इस सिचुएशन में भी हमें आके सिक्योर करो, तो वो हमें इन सारी चीजों को हैंडल करने में हेल्प करेंगे। सर जी ये जो जी सर जी समझ आ गई है, लेकिन सर जी अगर ये अभी आप कह रहे थे कि ये कंटेनर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसे कि लोड के हिसाब से अगर लोड ज्यादा हुआ तो हम कंटेनर बढ़ा देंगे, क्या ये क्यूबरनेटिस खुद करता है या हम उधर खुद कमांड से देते हैं कि हाँ जी इस टाइम पे हमें कितने कंटेनर चाहिए, तो वो उस हिसाब से करता है? अच्छा, अब इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, हम या तो उसे डायरेक्टली कह देंगे कि भाई पहले 5 थे या 10 थे, इसको 100 पे ले, ठीक है, हम उसे कहेंगे एक, लेकिन एक सिंगल कमांड देंगे कि भाई इसको 100 पर ले, वो 100 पे ले दे। इसी तरह हम कहेंगे कि इसको डाउन कर दो, हम सिंगल कमांड देंगे वो डाउन कर दे, कम कर दे 10 पे ले। ये ऑप्शन डायरेक्ट भी अवेलेबल है कि हम खुद अपनी मर्जी से उसे बताएं कि भाई इतने पे ले आओ, ठीक है, हम कमांड देंगे तो वो लेकर आएगा, यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करनी है तब भी और डिक्रीज करनी है तब भी। लेकिन कुबरनेटिस के अंदर एक और फैसिलिटी, उसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग, ठीक है, ऑटो स्केलिंग, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसे रेंज बता देते हैं कि भाई ए कुबरनेटिस कम से कम 10 कॉपीज रखनी है तुमने और ज्यादा से ज्यादा तुम 100 कॉपीज बना सकते हो, ठीक है, रेंज दे दी, 10 से 100 की रेंज दे दी। अब वो खुद डिसाइड करेगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वो 10 से 20 30 40 50 किस हिसाब से इंक्रीज करता है, ये अब उसकी चॉइस है, ये अब अपने लोड पे डिपेंड करेगा, उसके लोड पे, तो उसके कितना लोड आया है वो उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेगा। तो इसका मतलब है, आंसर ये हुआ कि दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो अपनी मर्जी से भी स्केलिंग अप कर सकता है और स्केलिंग डाउन कर सकता है, और हम मैनुअली भी उसे कह सकते हैं कि हमें इतनी स्केलिंग करनी है, लेकिन हमें सिर्फ बताना है कि इतनी स्केलिंग करनी है, हमें एक एक जाके कमांड नहीं देनी, एक सिंगल कमांड देंगे, सिंगल कमांड पे 100 कंटेनर सामने खड़े हो सकते हैं। ओके सर जी, समझ गया। जी और किसी का क्वेश्चन? हाँ सर, चलें ठीक है, आई होप आज तो हमारी ऑडियंस ही बहुत कम है, तो शायद सब लोग ईद की छुट्टियों में चले। सर अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कब होगी? अच्छा, कल भी हमारा एक सेशन होगा। ठीक है सर, ठीक जी, तो कल इंशाल्लाह आखिरी सेशन होगा ईद से पहले का, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है सर।